एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, आता है पेपर में, एक सिंपल पेंडुलम लें, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाएं और छोड़ दें, प्रूव करें कि एसएचएम में, और इसका टाइम पीरियड निकाल लें। तो ये सिंपल पेंडुलम है, थीटा डिस्प्लेस कर दिया, इसका वेट क्या है एमजी, ये थीटा, तो ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एमजी के दो कंपोनेंट है एमजी कॉस एमजी साइन। तो ये बताएं कि क्या जब ये पेंडुलम को यहां के छोड़ दिया जाएगा तो क्या ये पेंडुलम वापस आएगा? आएगा। क्यों वापस आएगा? कौन सी फोर्स इसको वापस लेके आ रही है? एमजी साइन थीटा, एमजी साइन थीटा फोर्स वापस लेके आ रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? एमजी साइन थीटा, और रिस्टोरिंग वर्ड के लिए साइन क्या लगेगा? माइनस। सिर्फ आपको हर प्रॉब्लम में एक ही चीज ढूंढनी है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पे सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है? माइनस एमजी साइन थीटा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब ये एक अजम्पशन है पूरे एसएचएम में। ये जो एंगल्स होते हैं ना पेंडुलम के या किसी भी बॉडी के मूवमेंट के एसएचएम में, बहुत छोटे होते हैं, छोटे समझते हो? ये पेंडुलम ऐसे नहीं मूव कर रहा, बस हल्की हल्की, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये इतना ही चलता है बस ये। तो प्रैक्टिकली बहुत छोटा एंगल है ये, और जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं मैथ्स में, तो नोट करें मेडिकल वाले स्पेशली, साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। कैसे? एंगल इतना छोटा है कि जीरो है, तो आंसर क्या है? जीरो। एंगल बहुत ही छोटा है, अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो 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 वन, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर जीरो के पास पास ही होगा, इतना ही होगा। तो हम देखते नहीं टेबल, सीधे थीटा लिख देते हैं, जो वैल्यू इतनी छोटी है अप्रोचिंग टू जीरो, तो आंसर अप्रोचिंग टू जीरो ही आएगा। तो याद रखना, अगर एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा को क्या लिख दिया जाता है? थीटा, और टैन थीटा को भी थीटा लिख दिया जाता है। तो जहां साइन थीटा एसएचएम में दिखेगा वो उठा के थीटा पुट कर देना है। तो ये थीटा आ गया। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस सेक्टर में देखें, ये जो सेक्टर बना हुआ है, इस सेक्टर में ये मान लो डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये रेडियस एल है, तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस। तो थीटा को क्या पुट कर सकते हैं? एक्स बाय एल। तो थीटा की जगह क्या पुट किया? एक्स बाय एल। तो यहां से जी और एल एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो ये किस में आ गया? इन एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन लिखें, ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करके ओमेगा निकाल लें। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी, और टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला आ गया 2 पाई रूट एल बाय जी। ये इंपॉर्टेंट है।